श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सपने में सांप जो आप देखते हैं तो की अवस्था और पोजीशन बताती है उसका मतलब और अर्थ। रात को आने वाले ख्वाब में सपने को देखना सबसे ज्यादा डरावना, सांप को देखना डरावना और मन में फिक्र कर देने वाला होता है। हम सोचते हैं कि यार आखिर मेरे सपने में सांप देखने का मतलब क्या हुआ, तो आज उन्हीं का मतलब बता दें कि सांप किस पोजीशन में है, कैसा है और हमें क्या बताता है। देखिए, किसी भी सांप को अपने बिल में जाते हुए देखने का अर्थ होता है कि आपको ढेर सारे धन की प्राप्ति होगी और खर्च की हुई संपत्ति धन संग्रह होने की खबर देता है। सांप और नेवले की अगर लड़ाई हो रही है तो यह सपना आपको थाने कोर्ट केस तक ले जाने के संकेत देता है। हो सकता है कि आपको कोई केस लड़ना पड़े। सांप को अपने बिल में जाते देखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर सांप को सपने में पकड़ना, इसका मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा देखने पर आप बहुत सा धन संपत्ति हासिल होती है और जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं। अगर आप सांप को मारते हैं सपने में तो अपने दुश्मन को मात देते हैं, उस पर अपनी जीत हासिल करते हैं। अगर आपने सपने में बड़े सांप को अपनी ओर आते देखा तो इसका मतलब होता है कि आप मरने वाले हैं या आपकी मौत का समय नज़दीक आ गया है। और अगर आप सपने में इस बड़े सांप को मार देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु टल जाएगी। ऐसा होने पर आपको कोई खतरा नहीं होगा। अगर आप सपने में अपने आप को सांप से लड़ता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब सकारात्मक है। इसका अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में या समाज में हुए किसी बदलाव के खिलाफ लड़ेंगे या लड़ रहे हैं। अगर आप सपने में सांप को आपके ऊपर हमला करते देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अगर सपने में आपको कोई सांप काटता है या जिंदा ही आपको खा जाता है तो इस सपने का अर्थ एक क्रूर आदमी से सचेत हो जाने का अर्थ होता है या उस व्यक्ति से सतर्क हो जाने का संदेश देता है जिस व्यक्ति को आप अच्छा समझते हो और उस पर विश्वास करते हो। तो उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना, नहीं तो आपको धोखा दे। उसके बाद सपने में सांप के बच्चों को देखना, इसका मतलब आपके जीवन में आने वाले खतरे के बारे में आप जान जाएंगे, उसके बारे में सतर्क हो जाएंगे। अगर आप सपने में सांप को मार देते हैं या सांप को मरा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि खतरा या तो टल गया है या अभी आने वाला होता है। इसके अर्थ के बारे में सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता है। इस सपने में सांप का काटना, अगर सपने में आपको सांप काटता है तो इसका मतलब यह है कि सपना आपको अपने जीवन में सतर्क होने का संदेश दे रहा है। सांप के सपने में काटने का मतलब हुआ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है इसके बारे में आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। सांप छिपे हुए खतरे का प्रतीक है। सांप के सपने को छुपा हुआ खतरा इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत बार सांप को देख पाना आसान नहीं होता है। वो छुप कर रहते हैं और हमला करने के लिए बहुत देर तक हाथ लगाए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और वो हमला करे, इसलिए सांप को छुपा हुआ खतरा कहते हैं। बहुत से लोगों के लिए सांप डर का प्रतीक है, यानी उन्हें सांप से काफ़ी डर लगता है क्योंकि सांपों की प्रवृत्ति जानलेवा होती है। वो कभी भी घात लगाकर आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए सांप के सिंबल से यह अर्थ लगाया जाता है कि सांप में सपने को देखना यानी आपके जीवन में कुछ ऐसा प्रकट होना जिसका आपको अंदाजा ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड हो। अभी बहुत सी जगहों पर सांप को पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है, तो अगर उन व्यक्तियों को सांप का सपना आएगा तो उसका मतलब बड़ा ही अलग होता है। तो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सांप को किस तरह से देखता है, सपने का इंटरप्रिटेशन भी उसी हिसाब से किया जाता है। यह सुबह 5 बजे के लगभग देखे गए सपनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके पीछे यही कारण होता है कि वो जल्दी घटित होगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।